माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा के बैनर तले शिक्षकों द्वारा विद्यालय पुनः खोले जाने को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा मंत्री को भेजा। ज्ञापन में कहा गया कि पिछले 1.5 साल से स्कूल बंद पड़े हैं, स्कूलों में बच्चे नहीं जा पा रहे, जिससे बच्चों की फीस जमा नहीं हो पा रही है। उसी कारण से शिक्षकों को उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही, जिससे उनके जीवन यापन में आर्थिक तंगी पैदा हो रही है, लेकिन सरकार द्वारा शिक्षकों को कोई सहायता भी नहीं दी जा रही, जिसके चलते समस्त शिक्षक समुदाय में रोष व्याप्त है। इसलिए ज्ञापन के माध्यम से समस्त शिक्षक यह मांग करता है कि स्कूलों में पठन पाठन की समस्या को ध्यान में रखते हुए विद्यालय को पुनः खोला जाए। यह विद्यालय में पूरी तरीके से ऑनलाइन शिक्षा का आदेश दे दिया जाए, ताकि छात्र छात्राएं अपने स्कूलों में फीस जमा करा सके और उस फीस से शिक्षकों को उनकी सैलरी मिल सके। मेरा नाम सर सुभाष कश्यप है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ मुरादाबाद जनपद का, माध्यमिक विद्यालय प्रबंध समिति और हमारे ये शिक्षक महासभा मुरादाबाद का। हमारी सर समस्या ये 1.5 वर्ष से पूरा हो चुका है और 1.5 वर्ष से विद्यालय पूरी तरह से बंद हैं। विद्यालयों में कोई पाठन पाठन नहीं हो रहा है और विद्यालयों में पाठन पाठन होने के कारण बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे जब स्कूल आते थे तभी उनसे फीस मिल पाती थी और उसी फीस से शिक्षकों को वेतन दिया जाता था, जिससे वो अपना जीवन यापन कर पाते थे। लेकिन विद्यालय बंद होने से टीचर हमारा आर्थिक तंगी के कारण पहुँच गया है। हम 1.5 वर्ष से लगातार शासन से मांग उठा रहे हैं कि आपने किसानों को पैसा दिया है, आपने फ्री अनाज बांटा है, आपने और भी बहुत सारे काम करे हैं, लेकिन आपने शिक्षकों की अनदेखी क्यों करी? शिक्षकों को कोई भी आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया, जबकि इस पूरे समाज की नींव केवल शिक्षक ही धरता है, शिक्षक ही समाज का निर्माता है, फिर भी सरकार की नज़र में शिक्षक की अनदेखी की जा रही है। जबकि शिक्षक सरकार ने सभी को फ्री राशन बांटा है और फ्री मकान भी शिक्षक फ्री मकान भी गवर्नमेंट लोगों को दे रही है और शिक्षक ही की अनदेखी की जा रही है। हमारी मुख्य मांग ये है कि अतिशीघ्र विद्यालय खोले जाएँ, जो विद्यालय बंद पड़े हैं विद्यालय खोले जाएँ, क्योंकि बच्चे घरों में पड़े पड़े कुपोषित हो गए हैं और जब विद्यालय खोलेंगे तो विद्यालयों में फीस आएगी, पढ़ाई चलेगी, उससे शिक्षक को वेतन मिलेगा और जो टीचर हमारा आर्थिक तंगी से गुजरा है उस टीचर के लिए मानदेय जैसी सुविधाएं गवर्नमेंट से दी जाएं। हमने विज्ञापन ज्ञापन श्रीमान जिला महोदय को सौंपा है, ADM साहब को सौंपा है, अब हम कमिश्नर साहब को सौंपने जा रहे हैं और शिक्षा के जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं जिले के DOS साहब, उनको ज्ञापन सौंपा है।